अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज़ योर फाइनल लैब, लास्ट लैब, लैब नंबर 13। और आज की लैब में हम पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स एंड आर टू आर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। अच्छा, नाउ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आप लोगों ने अपनी लाइफ में, मतलब इन योर यूनिवर्सिटी भी यूज़ किया होगा मोस्ट प्रोबली, एंड आप डेली लाइफ में इतने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, बहुत सारी मशीन्स एंड डिवाइसेस यूज़ करते हैं, या बहुत सारे सेंसर्स ऐसे यूज़ करते हैं जिनमें हमेशा ये पूरा एक सिस्टम इम्प्लीमेंट हुआ हुआ होता है फॉर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। से जैसे आप लोगों की क्या कहते हैं, टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रेशर सेंसर हो गया, आप लोग माइक हो गया, या जो है स्पीकर हो गया। सो स्पीकर कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एंड वेल अदर स्टफ आर बेसिकली एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। गाड़ियों के जितने भी सेंसर्स होते हैं, एयरक्राफ्ट के सेंसर्स होते हैं, you know, they're taking input in analog, they convert it into digital, क्योंकि जो हमारे सिस्टम है, जो कंप्यूटर है, फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर हो गया, या कोई भी किसी भी तरह का प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो जो है सिर्फ डिजिटल समझता है। सही। और वी एज ह्यूमन बींग्स हम लोग एनालॉग में, हमारी लाइफ एनालॉग के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है। So that is why we take an analog input, we convert it into digital, we send it to the operating system, we perform functions on it, then we again convert it into analog system, and then we give a output to our user. See, that's just about it. See, अच्छा, आप लोगों के जैसे देखें, इसकी फंक्शनैलिटी ये होती है कि आपके पास कोई भी इनपुट आ रहा है, एनालॉग इनपुट आ रहा है। सो ये इन दिस केस हमने एक वोल्टेज रख लिया है, बट यू नो इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ माइक्रोफोन, इट कुड बी अ साउंड, इट कुड बी अ लाइट, टेम्परेचर, एनीथिंग एट ऑल। सी, सो हमने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया है जो कि हमारे पास वोल्टेजेस लेगा एनालॉग में, एंड ये हमारे पास चार कंपैरेटर्स लगे हुए हैं। सही है। और ये कंपैरेटर्स उसकी जो स्टेप्स हैं उनको उनको जो है सेट करेंगे। ठीक है। नाउ देयर कुड बी मैनी कंपैरेटर्स। सही। जितने ज़्यादा कंपैरेटर्स होंगे उतनी ज़्यादा आपके पास रेजोल्यूशन अच्छी आएगी। ठीक है। ये जितना कम वोल्टेज होगा उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन अच्छी आएगी, क्योंकि देर वुड बी लेस वोल्टेज टू वर्क विद। लेट सपोज मेरे पास यहाँ चार कंपैरेटर हैं और मैं 5 वोल्ट्स को अगर कंपेयर करने जा रहा हूँ, सो दैट वुड एंड अप इनटू बीइंग यू नो अराउंड 3.4 और समथिंग वोल्टेज। बट इफ आई हैव लाइक 1 वोल्ट, सो इफ यू ब्रेक इट डाउन इनटू 4, यू विल हैव अ बेटर रेजोल्यूशन। चाहिए। इन अदर केसेस यू कैन ऑल्सो हैव यू नो more comparators to have a better resolution. See, resolution तो obviously आप लोगों को पता है कि you know जैसे यहाँ पे आप देखें, ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज था, साइन वेव है, एंड उसके मुकाबले में ये जो डिजिटल से हमने साइन वेव बनाई है, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट किया है, दिस इज डिजिटल वेव से बीच में कंप्यूटर इसको समझता है, इसको देन कन्वर्ट करता है again to analog. तो ऑब्वियसली इसके मुकाबले इसकी रेजोल्यूशन कम है, क्योंकि इसमें इट्स अ स्मूथ लाइन, यहाँ पे स्टेप्स हैं। सी, सो जैसे जैसे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी रेजोल्यूशन भी बेहतर होती जाएगी। सो दैट्स इज अबाउट इट। चार LEDs हमने यहाँ पे लगाई हुई हैं जो कि 0000 और मतलब यू नो डिजिटल, अगर आप DLF ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो DLF में आप लोगों के पास जैसे बाइनरी नंबर्स होते हैं, तो बाइनरी नंबर्स के कैरेक्टर्स जो है ये आउटपुट में प्रोवाइड करता है, विद 0000 बीइंग 0 एंड 1111 बीइंग योर F। ठीक है। ABCDEF तक हम लोग इसे लेते हैं।
when you go to G, you have to add up another binary allocation. So नीचे आते हैं. सबसे पहले लेट्स कवर अप आवर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके, नाउ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर हमने पहले बताया कि हमारे पास क्या कहते हैं, सॉरी, यहाँ पर आर टू आर का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होता है. ठीक है, आर टू आर कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपका एक रेजिस्टर जो है इट शुड बी यू नो जो रेजिस्टर आपके वोल्टेज पे लेट्स से लगा हुआ है दैट शुड बी यू नो ट्वाइस द रेजिस्टेंस दैट यू हैव इनपुट अबव. ठीक है, नाउ ये एक पूरी लैडर होती है जिसको जितना आप इलोंगेट करना चाहें कर सकते हैं. जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, जितने ज्यादा आपके पास इनपुट के बिट्स होंगी, इनपुट बिट्स होंगी विच कैन बी यू नो नॉर्मली 8 बिट से लेके 16 बिट तक होती हैं. सो उतनी ज्यादा आपको जो है ये लैडर एक्सटेंड करनी पड़ेगी, यू नो विद वी नॉट एंड यू नो V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. अच्छा, हम लोग आज 2 बिट को जरा कवर करेंगे. सो आपके वी आउट का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है. ठीक है, दिस इज योर Bn अपॉन 2, Bn बीइंग योर बाइनरी एंड देन वी हैव Bn माइनस 1 अपॉन 4. इसको अगर आप जो है वो इजीली इसको देखें सिंप्लीफाई करने के बाद वी हैव VDAC व्हिच इज योर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डेक इज 1 अपॉन 2 प्लस 0.4 प्लस 1 अपॉन 8 से ये एंड सो ऑन. सो दिस इज नॉट 0.4, दिस इज 1 अपॉन 4. ये कोई मिसप्रिंटिंग हुई है. से दिस इज 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 8 एंड सो ऑन. अगर एक और हमारे पास बिट है तो 1 अपॉन 16. ये एफ एस जो है वो फुल स्केल है जिसको हम लोग ऑल्सो रेफरेंस वोल्टेज कहते हैं. सही है, रेफरेंस वोल्टेज कैन बी एनीथिंग के यार मतलब इस वोल्टेज से ऊपर या इस वोल्टेज से नीचे अगर होगा तो 0 होगा, इस वोल्टेज से ऊपर होगा तो 1 होगा. सो हमारे पास जो है यहाँ पे ट्रिगर एफ एस से जनरेट हो रहा है. हमने यहाँ पे एफ एस को 5 वोल्ट के बराबर रखा है एंड सो व्हेन वी कैलकुलेट इट सो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन वुड बी एट 3.125 वोल्टेज. सही है, सो 3.125 वोल्ट से ऊपर जो भी इनपुट आएगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 1 एंड इससे नीचे जो भी वोल्टेज होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज 0. सो दैट्स हाउ यू नो कन्वर्ट डिजिटल इनटू एनालॉग. सो सबसे पहले आते हैं हम लोग एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बनाएंगे. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी मेड वन हियर. अच्छा, अब इसको देख लेते हैं. यहाँ पर मैंने ये 2 बिट जो है वो हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ओके सॉरी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर 2 बिट्स का. सही, I hate that when that happens. Okay, yeah, much better. So यहाँ पे एक function generator मैंने लगाया, उसे मैंने 2 volt peak to peak पे set किया हुआ है with 10 hertz. याद रहे 10 hertz से नीचे ये काम नहीं करेगा. Okay, 10 hertz से नीचे it would just crash for some reason. So because it's an AC voltage, it's a you know हम एसी वोल्टेज को डिजिटल में कन्वर्ट करने लगे हैं, सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्वड हियर. अच्छा, रेफरेंस वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट दिया हुआ है. ठीक है, हमने यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस लगाई हुई है और ये कंपैरेटर्स हैं. इन्हें सर्च करने का तरीका इज जस्ट सिंपल, गो टू सर्च, राइट डाउन द कंपोनेंट नेम LM339N एंड देयर यू गो, यू विल फाइंड इट. अच्छा, अब इससे यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि यहाँ पे 3 LM339 लगे हुए हैं. ठीक, व्हेन यू प्रेस ओके ये आपसे पूछेगा कि आपने न्यू सिस्टम प्लेस करना है या एग्जिस्टिंग सिस्टम का एक्सटेंशन प्लेस करना है. सही, जैसे U1 मेरे पास एक सिस्टम चल रहा है. सही है, मैं अगर इसमें न्यू सिस्टम ऐड करता हूँ B,
सही है। सो दिस वुड बी यू नो यू टू बी और इन अदर केसेस U1 U2A, सही है, U2A U2B स्टफ लाइक दैट। अगर आप इन्हें क्या कहते हैं एक अलग सिस्टम में प्लेस करेंगे, सो यू गाइज विल यू नो फेस अ प्रॉब्लम कि ये जो सिस्टम है ये आपका बार बार क्रैश होता रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो फिर आपको ये जो वोल्टेजेस है ना, एज यू कैन सी हियर, दिस इज एन एक्सटेंशन, सो मैंने VDD ऊपर सप्लाई की हुई है, मुझे यहाँ पे ग्राउंड और VDD सप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सेम गोज हियर, जस्ट ये है कि फर्स्ट एंड लास्ट सिस्टम को आपको कनेक्ट करना होता है। फर्स्ट सिस्टम को आपने VDD सप्लाई किया, लास्ट सिस्टम को आपने ग्राउंड सप्लाई किया। सो ये जो पूरा सिस्टम है ये अपने आप में अपने आप को खुद पावर अप करेगा, सही है। कौन सा? अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पर अप्लाई करना है, तो U1 में मैं ए बी और सी यूज कर चुका हूँ, मैं डी एक और प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो रिमेम्बर दैट, इसी तरह इसको एक ही डेटाबेस के जो है वो कंपैरेटर्स यूज कीजिएगा, सही है। सो इट विल वर्क जस्ट फाइन। देन अगेन वी गो टू 7148N। दिस इज योर इट्स आई थिंक इट्स अ बाइनरी कन्वर्टर आई गेस। लेट्स जस्ट सी 7148। ओके, यस, 8 लाइन टू 3 लाइन इनकोडर। या ये बेसिकली इनकोडर है, अगेन DLF से काफी रिलेट होती है हमारी यहाँ पे चीजें, सो दैट्स व्हाई मैं अक्सर DLF की एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ। सो दिस इज एन इनकोडर, बेसिकली ये आपके जो है वो 8 लाइन के डेटा सेट को 3 लाइन में इनकोड करता है, सही है। यू नो कन्वर्जेस इट इनटू लाइक आपका 8 बिट बाइनरी को 3 बिट बाइनरी में, समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स जस्ट अबाउट इट। रेफरेंस वोल्टेज मैंने 2 वोल्ट दिया हुआ है, ऊपर भी मैंने 2 वोल्ट दिया हुआ है कि मैं रेफरेंस वोल्टेज से ऊपर सप्लाई कर रहा हूँ, और हमारे पास ये सर्किट आपके सामने है। सो लेट्स रन दिस एंड वी हैव अ प्रॉब्लम हियर, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव। 2 वोल्ट्स वी पीक टू पीक एंड आई थिंक वी आर गुड टू गो। व्हाट्स द मैटर हियर? अच्छा, इसकी जगह आप लोग ऑल्सो यू नो एसी पावर भी सप्लाई कर सकते हैं। मैं एक्चुअली यू नो आई फाइंड दैट इजियर देन दिस, सो दैट इज व्हाई आई नॉर्मली अप्लाई यूज दैट। सो देयर यू गो, 60 हर्ट्स पे 2 VRMS पे मैं अगर एक एसी सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ, सो आई एम गेटिंग अ डीसी आउटपुट हियर। अच्छा, ऑल्सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई एन ऑसिलोस्कोप हियर एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। इज इट गोइंग टू वर्क? या सो देयर यू गो, हमारे पास जो है वो एसी वोल्टेज आ रहा था। मैं कंपैरिजन के लिए इसे बिल्कुल अपने इनपुट से भी कनेक्ट करूँगा, सो यू गाइज नो यू नो हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। सो यू सी, ये जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है, दिस इज एन एसी वोल्ट, ये साइन वेव हमारे पास जनरेट हो रही है, दिस इज एन एसी वोल्ट, और हमारे पास आउटपुट जो जनरेट हो रहा है दैट इज स्टेप वोल्टेज स्क्वायर यू नो सिग्नल, सो दैट इज योर डीसी। ओके, सो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। नाउ वी आर कन्वर्टिंग आवर एसी वोल्टेज इनटू डीसी वोल्टेजेस, एंड यस ऑब्वियसली यू नो इफ यू मेक इट 0 वोल्टेजेस यू नो इट वुडंट वर्क बिकॉज़ यू नो दिस इज लेसर देन आवर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। सो आई वॉन्टेड टू ट्राई वन थिंग, दो आई एम गोना गो फॉर 10।
लेट्स सी इफ इट वर्क्स. आई मीन इट वर्क्स, इट पार्शली वर्क्स, क्योंकि ये वोल्टेज इतना बड़ा नहीं है कि ये दूसरी जो है बाइनरी पिन को हाई कर सके. पहली बाइनरी पिन जो है, विच इज योर 0000, जो बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, LSB, वो हाईलाइट हो रही है. बट जो आपके टेंस में है वो हाईलाइट नहीं हो रही, बिकॉज यू नो थ्रेशोल्ड वोल्टेज बहुत ज्यादा है हमारा. ओके, अगर हम इसे, ऑब्वियसली मैं इसे अगर 4 वोल्ट पे ले जाऊंगा, सो मोस्ट डेफिनेटली इट विल वर्क. सी, सो दैट्स इट. अच्छा, अब हम चलते हैं आगे. आपने यहाँ पे करना ये है कि ये वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं. सही है, दीज आर एनालॉग वोल्टेजेस, एसी वोल्टेजेस, और आप लोगों को आउटपुट जो है वो बताना है कि हाई हो रहा है या नहीं हो रहा. सही है. अगेन, आपने अपना जो ये थ्रेशोल्ड है इसे 2 वोल्ट रखना है. ठीक है, ये याद रहे, 2 वोल्ट थ्रेशोल्ड रखना है. यहाँ पर आप वोल्टेजेस सिर्फ चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी को रहने दें, जो भी है जैसे कि जैसी है वैसी रहने दें, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट. ठीक है, ये करके आपने ये वोल्टेजेस अप्लाई करने हैं, एंड आपने बताना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हाई हाई हुई या नहीं हुई. लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी ये है LED 2. ठीक है, LED 2 ब्लिंक हो रही है या नहीं हो रही है. अगर ब्लिंक हो रही है दैट मीन्स इट्स हाई, इट मीन्स इट्स 1. सही, तो यहाँ 1 लिख देंगे. फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखनी है, दिस इज LED 1 इज आवर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अगर ये ब्लिंक हो रही है तो इट्स हाई, यू विल राइट 1. अगर नहीं हो रही ब्लिंक, सो यू विल राइट 0. दैट्स इट. नाउ यू मार्क दीज ऑब्जर्वेशन एंड अटैच अ स्नैपशॉट विथ योर लैब. देन अगेन, अब हम आते हैं, पहले हमने एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर देख लिया, अब हम डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर देखते हैं. ठीक है, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर में R2R लैडर हमने क्रिएट किए. सही है, यहाँ पर हमारे पास यू सी, दिस इज R1, दिस इज 2R, दिस इज R, दिस इज 2R, सो R2R. ओके, सो R2R लैडर हमारी यहाँ पे जनरेट हुई भी है, और हमने इसे जो है वो सिमुलेट करना है. ठीक है, यहाँ पर एज यू गाइस कैन सी, दीज आर नॉट 2 आवर्स, मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ. ठीक है, R2R लैडर हमारी रेडी है. एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पे वी आर यूजिंग LM741 AH883. आप लोग, यू कैन यूज अ सिंपल LM741 एज वेल. ठीक है, अच्छा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये R1 और R2, ठीक है, फॉरगेट ऑल दीज रेजिस्टेंस, दीज आर ओनली R2R कॉम्बिनेशंस. ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, एज वी कैन सी हियर. से दिस इज योर R2, दिस इज योर R1. से मैंने उल्टा बोल दिया, दिस इज योर R2, दिस इज योर R1. तो पिछली लैब्स में हम लोगों ने जो क्या कहते हैं, ओपैम्प का गेन मालूम करने के, हमारे पास जो फॉर्मूला होता था यूजिंग रेजिस्टेंसेस, वो फॉर्मूला यूज करते हुए आपने कैलकुलेट करना है गेन ऑफ 2. यानी आपको 2 का गेन रखना है इस क्या कहते हैं सेटअप में. व्हेन यू हैव अ गेन ऑफ 2, यू देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट वॉन्ट वर्क. ओके, सो हैविंग अ गेन ऑफ 2 एंड एवरीथिंग, सो यू जस्ट लॉन्च इट. यू हैव 2 वोल्टेजेस हियर, सी, एंड यू गाइस कैन सी हमारे पास एक जो है वो सिंपल एक वोल्टेज आ रहा है. सही, नाउ इसे कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू कंटिन्यूअसली चेंज योर वोल्टेज. सी, अ चेंज इन वोल्टेज, लाइक लेट सपोज मैं अगर इसको दोबारा 2 पे ले जाता हूँ. सही, सो ये हमारे पास अब वोल्टेज आ रहा था, और ये वोल्टेज अब हमारे पास आ रहा है. सही, इट काइंड ऑफ शिफ्ट डाउन. सही, इसकी रेजोल्यूशन बहुत कम है,
एंड ऑब्वियसली इट्स नॉट कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग अराउंड, सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग एन आउटपुट लाइक दिस. सी बट इट इज़ डेफिनेटली कन्वर्टिंग इन टू एन एनालॉग सिग्नल. ठीक है. अच्छा, यहाँ पर अब हम आते हैं. विद दिस डन, आपने ये बताना है कि जो है वो पहले इसको लो रखो, इसको सॉरी दिस इज योर वी नॉट, वी जीरो एंड वी वन. पहले वी वन को लो रखो, दोनों को लो रखो. ठीक है, इक्वल टू जीरो और समथिंग, देन एक को हाई करो, देन दूसरे को समथिंग. ओके, तो ये इस तरह से रन करके आपने बताना है कि वी आउट पे हमारे पास वोल्टेजेस क्या आ रहे हैं. ठीक है, और मेजर्ड क्या है. मेजर्ड करने का तरीका ये है कि गेन ऑफ एम्पलीफायर विच इज टू. ठीक है, और एफ एस भी आपने टू रखना है. जो आपका गेन होगा वही आपका जो है वो थ्रेशोल्ड होगा. सो विद दिस आपने वी वन और वी जीरो बता दिए क्या रखें, एंड दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट योर वी आउट. और फिर ये देखने के मेजर क्या हुआ है वी आउट. ठीक है, नाउ द लास्ट बिट ऑफ दिस लैब इज आपने एडीसी और डीएसी दोनों को आपस में मर्ज करना है. ना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑब्वियसली यू नो आपने इसको उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया, इसे उठाया, कॉपी किया, पेस्ट किया. यू डोंट हैव अ बिग शीट फॉर दैट. सो इन ऑर्डर टू गेट अ शीट यू गो टू ऑप्शंस, शीट प्रॉपर्टीज, से दिस विल बी योर मेन्यू. यू गो टू वर्क स्पेस एंड सेलेक्ट योर साइज. Now size B is bigger, size C is even bigger, size D is, you know, and so on, something like that. So there you go, I'm using a size B here and this fits perfectly. I have a big sheet to work with. So again, मैंने जो है वो analog to digital converter लिया, सही है, और फिर आगे digital to analog converter ले लिया, सही. So I slapped both of them together. एंड कोई भी वैल्यूज मैंने आपस में चेंज नहीं की. यस, आर टू आर कनेक्शन को मैंने 10 वोल्ट पे कन्वर्ट किया है बिकॉज मेरे पास कन्वर्जन एरर आ रहा था. सो दैट इज वाई मैंने आर टू आर को 10 वोल्ट पे कन्वर्ट कर लिया रादर देन 20 वोल्ट. सी लाइक दिस इट सॉरी 20 ओम्स. तो ये यहाँ पे मेरे पास 20 ओम्स में आ रही थी, मैंने उन्हें 10 ओम्स पे कन्वर्ट कर दिया एंड द रेस्ट इज जस्ट लाइक दैट. ओके, 4 किलो ओम्स मैंने यहाँ पर लगा दिए. इधर मैंने वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज सप्लाई किया हुआ है विद रेफरेंस ऑफ 2 वोल्ट्स. से दिस विल कन्वर्ट इट इनटू ए डिजिटल वोल्टेज. यहाँ से डिजिटल वोल्टेज लेके मैं दोबारा एनालॉग में कन्वर्ट कर रहा हूँ. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. There you go. So I'm getting, you know, resolution थोड़ी कम है obviously, but still, you know, it's an AC voltage. So ये मैंने एक DC voltage को लेके AC में convert किया. I'm gonna place a 5 kilo ohms resistors here and try what do I get? I get the same thing actually. So that's इस resolution को बेहतर करने का तरीका ये है कि आप जो है वो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर दूं. यस, रेजोल्यूशन को बेहतर करने का तरीका ये है कि आप अपने बाइनरी कोड्स को जो है वो बड़ा करें. ठीक है, हैव यू नो मोर ऑफ दीज कन्वर्टर्स, मोर ऑफ दीज कंपैरेटर्स एंड रेजिस्टेंसेज. से ये जितना ज्यादा जो है वो बिट्स आप बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा आपकी जो है ये रेजोल्यूशन बढ़ेगी. लाइक आजकल हमारे पास जो हम लोग विंडोज यूज करते हैं दैट इज 64 बिट विंडोज. उससे पहले हमारे पास 32 बिट विंडोज होती थी. गेम्स जो आ रहे हैं उनकी रेजोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है. दे आर गोइंग टूवर्ड्स 120 फ्रेम्स एंड स्टफ लाइक दैट. सो इसी तरह यहाँ पर भी अगर आप यू नो इफ यू इंक्रीज योर रेजोल्यूशन दिस विल turn into a smoother sine wave. So yeah, so for now this is it. That's the end of your lab. And आपने इसमें भी इसका भी स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करना है
वोल्टेजेस अप्लाई करके देखने हैं और बताना है कि आपके पास एनालॉग इनपुट ये दिया था और एनालॉग आउटपुट क्या आया। ठीक है, सो दैट्स जस्ट अबाउट इट। इसके स्नैपशॉट मुझे जमा कराएं, तीनों का स्नैपशॉट और ये टेबल फिल हुआ हुआ हो। ठीक है, दैट्स इट। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस, कमेंट डाउन बिलो और यू नो यू कैन अप्रोच मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल। सो गुड लक टू यू गाइस, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।